इंट्रोड्यूसिंग वीवो V17 प्रो। दोस्तों बहुत ही जल्द वीवो अपना अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो V17 प्रो लॉन्च करने वाला है, जो कि सक्सेसर होने वाला है वीवो V15 प्रो का। दोस्तों यह वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और क्वाड कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, और क्या होने वाला है इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन, और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन लुक और डिजाइन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला है प्राइमरी 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज की, तो दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। फुल डिस्प्ले होने की वजह से दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फास्ट। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक साइड की डिजाइन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश, जो कि आने वाला है प्लास्टिक बैक के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा का सपोर्ट। इसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल सैमसंग ISO सेल का सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट, यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फास्ट चिपसेट है। इस स्मार्टफोन में आप पबजी जैसे गेम बहुत ही आराम तरीके से खेल पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ बहुत ही बेहतरीन बैटरी भी देखने को मिलती है। दोस्तों बताया ऐसा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में बताया जा रहा है कि 45W का एक फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपके फोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में? अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड क्यू का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि आने वाला है फ्रंट टच OS के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक और USB टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो स्टार्टिंग प्राइसिंग रहने वाला है वो होने वाला है 20 से 25,000 रुपीज के करीबन। और इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की बात की जाए, तो इस स्मार्टफोन को दिवाली से पहले इंडिया में रिलीज कर दिया जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि इस स्मार्टफोन का सबसे हाईलाइट फीचर्स है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड फाइनली दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।